जसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विजय के मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे असली और नकली डीएपी के बारे में कि असली और नकली डीएपी की क्या पहचान है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी न होने की वजह से आप लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आप जब बिजाई का समय होता है तब उस समय मार्केट में डीएपी जो है उनको नहीं मिल पाती है, तो उस समय क्या करते हैं आप लोग कि जाते हैं दुकान में, तो जैसे ऐसा ना हो लास्ट में हमें जो है बाद में ना मिले, जिससे कि हमारी दुबई प्रभावित हो सके, तो उस समय आप जल्दबाजी में पैसे देते हैं, पैसे दे करके डीएपी अपने घर ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है उस समय कि ऐसे स्थिति में जो है दुकानदार आपको लोकल डीएपी यानी नकली डीएपी जो है देने का प्रयास करता रहता है। उस समय आप लोग जो है खेत में डाल देते हैं उसे लेकर के, जिससे कि उसका कोई भी फायदा हम लोगों को नहीं मिलता है और आपका पैसा भी जो है व्यर्थ चला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असली और नकली के बारे में, आपको कुछ पहचाने बताऊंगा, दो तीन पहचाने बताऊंगा, जिससे कि आप जो है पहले पहचान सकें और उसके बाद सही चीज जो है हम अपने साथ ला सकें, जिससे कि हमारा पैसा जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमारा जो है काम में आए, व्यर्थ ना जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को कुछ ट्रिक बताएंगे। उससे पहले कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल को जरूर दबा दें। तो ट्रिक नंबर वन की बात करेंगे हम, तो कुछ हमको डीएपी के दाने जो है ले लेना है हथेली पर, और जो तंबाकू वाला चूना होता है उसको भी थोड़ा चूना ले लेंगे और उसको हम तंबाकू की तरह रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद हम उसे नाक के पास लाएंगे, तो उस समय क्या होता है कि उसमें एक बहुत अच्छी जो क्वालिटी की डीएपी होती है तो उसमें बहुत ही तीखी गंध आती है, जिसको हमें सूंघना मुश्किल हो जाता है। तो एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चम्मच लीजिए, उसमें डीएपी के दाने रखिए और उसको आँच के ऊपर हम रखेंगे तो कुछ बबूले टाइप की वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी जिसे हम कहेंगे। तो अगर फूल रही है तो आपकी डीएपी अच्छी है, अच्छी जो है क्वालिटी की है, उसे आप ले सकते हैं। अब तीसरी ट्रिक की बात करेंगे। तीसरी ट्रिक ये है कि आप कुछ दानों को लीजिए और हथेली के ऊपर साइड में रखिए और रखने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालिए। पानी डालने के बाद क्या है कि जो आपको अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो वो जो है अच्छी क्वालिटी की है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। चौथी ट्रिक की बात करें तो चौथी ट्रिक है आप कुछ दाने एक मुट्ठी लगभग वो ले लीजिए डीएपी और उसको 6-7-8 बार फूंकने से जो है अगर वो पसीज रही है तो जो है वो अच्छी है, नहीं पसीज रही है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और अब कुछ किसान भाई जो है मतलब कि कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो है, क्योंकि मार्केट में दो तरह की डीएपी उपलब्ध है, एक तो जो है सफेद सफेद डीएपी आती है भूरे कलर की और एक काली। जो काली डीएपी होती है वो गोल होती है, राउंडेड होती है, और जो सफेद होती है तो वो जो है खुरदरी होती है। तो उसको क्या करेंगे, जब नाखून से हम तोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं। बस आप लोगों को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सफेद डीएपी है और ये काली है, बस आपको जो है तरीकों से पहचान करनी होगी कि हमारी डीएपी कौन सी असली है और कौन सी नकली है, जिससे कि हमारा वो खेत में हमारे जो है रिजल्ट उसके देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।